हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी हम आ गए वाड़ी पे, सुबह के बज रहे हैं 9 और लेबर भी आ गए हैं। तो अभी मोटर चालू करना है इधर से, तो पानी चालू करेंगे वहाँ पे। प्लांट्स को ज़्यादा दिन हो गए, 8 से 10 दिन हो गए प्लांट पानी नहीं दिया है, उसको पानी देंगे। उसके बाद में रोपा में दूसरे लोग लगे हुए हैं, वो बेड में डाल रहे हैं, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रूम है वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मोटर का वो वायर डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक रूम, और ये रहा ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे चंदू भाई की बाड़ी है, एक ये रहा वायर और दूसरा वहाँ पे लगा हुआ है। चलो लगाओ। लाइट है लेते हैं फिर से। है लाइट, अब इसको करते हैं बंद और ये गेट को भी बंद कर देते हैं क्योंकि गाय आ जाती है अंदर रोपे में, वो रोपे को खा जाती है तो वो फेल हो जाते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, मोटर को स्टार्ट करेंगे। वो उधर का फोन आएगा वहाँ पे, वो पूरा का पूरा पाइप देखने गया है, इधर से भी निकला हुआ नहीं है या है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए, तो अभी ये रहा मोटर का स्टार्टर, तो इसको चालू कर, सिंगल फेस टर्बो है डेड का, तो ये चालू किया, हो गया चालू। आपको आवाज़ आ रही है? ये देखिए अंदर से पानी जा रहा है। अभी ये स्टोरेज टैंक में देख लेते हैं पानी कितना है कितना नहीं है। कम है, मोटर तो डूबा हुआ है ना, वो देख लेते हैं। तो ऐसे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको ऑटो में डाल देते हैं। तो चलिए पहले फ्यूज डाल के मोटर को ऑटो में डाल देते हैं। डाल दिया है फ्यूज, ये दूसरा डाल देते हैं और ये तीसरा। लाइट आ गया, इसको कर देते हैं ऑटो में। तो अभी ये लाइट जलेगा, जब 3 फेज लाइट आएगा तो 9:15 बजे 9:20 पे आएगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा मोटर। तो चलते हैं मोटर, मोटर चालू हो जाएगा खुद ब खुद। वहाँ पे उसने भर दिया था आधा ट्रॉली, वो जो है थोड़ा दिमाग उसका वो है कम है, वो उसने डाल दिया था इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी चंदू भाई के वाड़ी पे मोटर में कुछ प्रॉब्लम है, 3 फेज वाली जो बोर में है उसमें, अभी देखा मैंने, लेकिन वो डेल्को में जब जा रही तो फिर से वापस बंद हो जा रही है। तो अभी देखते हैं, वो मोटर वाले को फ़ोन किया तो अभी आएगा, पता नहीं कब आएगा। तो चलिए आगे, हम जो DAP डाल रहे हैं वहाँ पे शूट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितना काम पहुँचा। ये भी यहाँ पे डाला, देखिए ये जो पूरा किया हुआ ना इधर डाला है DAP, सभी जगह पे डाल दिया है, अभी वहाँ पे कर रहे हैं काम। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। रोटरी टिलर चला दिया इसलिए अच्छा हो गया, देखिए पूरा घास निकल गया, अभी थोड़ा थोड़ा है वो हाथों से निकल देंगे। दोस्तों वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, देखिए इधर मैं यहाँ पे छापरे के नीचे बैठा हुआ हूँ, 5 से 10 मिनट हुआ बारिश शुरू हो गई है। अब थोड़े थोड़े बादल बन रहे थे सुबह से और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, इसलिए
थोड़ा काम रुका हुआ है, तो चलिए बारिश के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कल का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अभी चलते हैं वाड़ी पे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम लेबर लेके आ गए हैं और नीचे थैली खाली करने का चालू, वो बीच में जो रिजेक्टेड प्लांट्स थे वो निकाल दिए, तो ऐसे थैली खाली करना है निकाल के, फिर ये थैली थोड़ा मजबूत है तो अगले साल काम आ जाएगा हमें। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ है। अभी ये दवा छिड़कने का चालू है इधर छोटे वाले प्लांट्स में, ऊपर क्या है ऊपर थ्रिप्स आ गई है, तो उसका जो छोटा छोटा ग्रोथ होता है वो अटक गया है, सूखा नहीं है अटक गया है, तो वो खुल जाएगा पूरा, थ्रिप्स चली जाएगी। तो और ये दवा डाला है हमने दमन का बायो R303+ 303+ जो कहते हैं इसको, और ये पूरा बायो प्रोडक्ट है, और ये कहाँ पे बनता है, बेंगलोर यलन का होबली बेंगलोर में बनता है ये। इसका स्मेल बहुत घटिया है, मक्का सूख गया है जला दें ऐसा स्मेल आ रहा है इसका। तो चलिए अभी वहाँ पे लेबर चालू है, वो बैग्स खाली कर रहे हैं, तो अभी उसको ट्रैक्टर लगा दूंगा मैं वहाँ पे, तो ट्रॉली भरना चालू कर देंगे, उसके बाद हम प्लांट्स इधर डालेंगे, एक अधूरा है बेड वो पूरा करेंगे। आज एक लेबर कम है और ये बुद्धा लाल इधर जो दवा छिड़क रहा है वो रहा उधर पहुँचा, तो अभी एक घंटा थोड़ा लेट होगा, कोई बात नहीं। आज वैसे तो डेली 6 ट्रेलर हम भरते हैं ऐसे, तो अभी आज थोड़ा 5 होगा या 4.5 होगा कुछ होगा पता नहीं, तो जितना होगा वो कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ पे 7 बेड बन चुके हैं और इतना खाली हुआ है, देखिए पूरा पोर्शन भरा हुआ था खाली हो गया, अभी ट्रेलर में डाल लेंगे, लंच तक एक ट्रेलर भर जाएगा और खाली भी हो जाएगा। अभी यहाँ तक पहुँचे, देखिए ये खांचे तक कितना है, ये एक हुआ 2 3 4 5 लाइन है, उसके बाद पूरा सीधा हो जाएगा। अभी ये यहाँ तक आएगा बेड इतने में, क्योंकि आधा थोड़ा खाली रहेगा उसमें, उसमें क्या हम यहाँ पे मंडप बांध देंगे ग्रीन हाउस, और डिलीवरी के लिए जो रखना हुआ प्लांट्स तो वहाँ से निकल के यहाँ पे रख देंगे। अभी बजे हैं 12, 1 बजे मैं घर पे जाऊंगा लंच करने के लिए, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये काम पूरा करते हैं। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम घर खाना खाने के लिए, लंच का टाइम हो गया, तो 2:15 बजे यहाँ पे आएंगे वापस। अभी मुझे उस वाड़ी पे देखने जाना है कि राउंड अप इधर पड़ा है या उस वाड़ी पे है, तो चलिए दोपहर के बाद मिलते हैं, गुड बाय। हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं 5:30, मैं 6 बजे लेबर को छोड़ने के लिए जाऊंगा, और इधर कॉटन में राउंड अप का स्प्रे चालू है, तो वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।